हेलो जी, वेलकम। फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। टाइम हो चुका है 2:03 और हमने लंच कर लिया है। 1 घंटे हस्बैंड वापस घर पे आते हैं, तो मैंने इनको बोला कि चलो हम रील्स बनाते हैं। और जो मेरे माइंड में चल रहा था फनी रील्स बनाने का, वीडियो बनाने का, तो मैंने इनसे बोला चलो उस पर बनाते हैं। तो अभी हम बना रहे थे, अभी इनके जाने का टाइम हो गया है, वापस जा रहे हैं। 1 घंटे के लिए लंच में आते हैं। तो अभी हम बना रहे थे तो ऐसी आ रही थी, मैं कुछ और आइडिया लेके वो वीडियो बना रही हूँ और ये मुझे कुछ और बोल रहे हैं कि तू है ना उसको ऐसे चेंज कर दे। लेकिन है ना, मैं आप लोगों से है ना यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता अगर मैं वो वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये भी इसलिए मना कर रहे हैं बनाने के लिए, क्योंकि है ना बहुत लोग जो हमारे आसपास के हैं वो मजाक ही उड़ाएंगे, टांग खींचेंगे मतलब एक तरह से। और तो मैं इसलिए बस फनी वीडियो बनाना चाहती हूँ और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं ना वीडियो डालने से पहले इस ब्लॉग में ना उसके बारे में मैं बता दूँ और मैं आप सबसे ये चीज़ भी शेयर करूँ। और ये काल्पनिक रचना है, इससे है ना रियल ज़िंदगी से कोई वो नहीं है, जुड़ी नहीं है। अगर है ना इससे किसी को भी हानि होती है, किसी क्या नाम है किसी के भी उसको फीलिंग्स को अगर ठेस पहुँचती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ मैंने जो वीडियो बना रही हूँ, अगर उससे किसी की फीलिंग्स को अगर हर्ट होती है, किसी को बुरा लगता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन है ना ये सिर्फ मैंने सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए ये इसलिए बनाई है, और अपने पागलपन से दिखाने के लिए। तो देखते हैं कैसे बनती है, कैसे रेडी होती है। वैसे कर ली है हमने शूट, थोड़ा सा था, ज़्यादा कोई पार्ट नहीं था। अब थोड़ा सा काम है, थोड़ा काम करूँगी, उसके बाद फिर इस वीडियो को रेडी करूँगी। और मैंने सोचा आज मैं एक और जो रील आजकल चली हुई है उसको भी मैं रिक्रिएट करूँगी अपने स्टाइल में। जो वो ट्रैवल वाली ना वो चुटकी बजाते हैं, तो घर से एयरपोर्ट से होटल से बीच, तो आज तो उसी पे मैं रिक्रिएट करूँगी। और अपने घर में ही मैं होटल भी, बीच भी और एयरपोर्ट भी सब ले आऊँगी अपने स्टाइल में। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो बना ली मैंने, लेकिन वो कैसे बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए, हेलो जी, फिर से वेलकम आपका मेरे ब्लॉग में। और टाइम हो चुका है 6:00, काम वाम करके मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, और फिर रेस्ट करते करते 6 बज गए। फोन चलाते अब मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं एक और रील्स बनाऊंगी, वो रिक्रिएट करूंगी अपने स्टाइल में। तो मैं कपड़े लेने के लिए जा रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा ये भी काम कर देती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो उसमें भी 3-4 स्टेप होती हैं, जैसे पहले मेरे ख्याल से पहले घर होता है, या फिर पहले एयरपोर्ट होता है, फिर होटल होता है, फिर बीच होता है। तो ऐसे ही है ना, ये 3-4 स्टेप होते हैं इसके अंदर ट्रैवल वाले में। तो मैं भी 3-4 स्टेप करती हूँ अपने घर से। तो चलिए मैं वो बनाती हूँ, और मुझे वो बनाने के लिए अपना ब्लॉग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फ़ोन से मुझे रील के लिए भी शूट करना है और ब्लॉग भी बनाना है। तो मैं पहले बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहला मैं आपको दिखाती हूँ कि पहला मेरा स्टेप होगा बेड, तो दूसरा स्टेप होगा, नहीं बताऊँगी नहीं, मैं आपको बताऊँगी नहीं, आप मेरी रील्स रेडी हो चुकी तब देखिएगा, मैं तभी, लेकिन मैं यही सारा बता दूँगी तो फिर आप वहाँ क्या देखेंगे। तो मैं करती हूँ अपनी उसकी रील्स की तैयारी, उसके बाद फिर मिलते हैं। वैसे एक बात करूँ, मैं बता दूँ, लाइट नहीं गई, टच वुड लाइट नहीं गई, नहीं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही, पूरा दिन पता नहीं क्या कर भी इतना गर्मी में हालत ख़राब हो जाती, फ़ोन चले या ना चले, लेकिन पंखा बंद हो जाता था फिर दोपहर में। और भगवान करे अभी नहीं गई, अब बाद में भी ना जाए। लंच में आए थे जब, अभी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने बोला था लाइट जाएगी, लेकिन लाइट तो गई नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाफ फेस है, दूसरा साइड है जो यहाँ का, वहाँ गई हुई है लाइट, यहाँ पर नहीं गई हुई है। तो ये तो था कि लाइट गई आज, लेकिन और कहीं की यहाँ की नहीं।
चलिए मैं तो अपना शूट करती हूँ, उसके बाद अपना रेगुलर काम में लग के फ़ोन होता है, तो मैं सब कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं रील्स बनाती हूँ तो फिर मुझे रील अपना ब्लॉग बंद करना पड़ता है, दोनों चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। जितना होगा उतना मैं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ ये कोशिश है कि मैं अब डेली व्लॉग बनाऊँगी। अब मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन छोड़कर डेली व्लॉग ना, तो मैंने कपड़ा भी अपना ठीक कर लिया है फिलहाल, देखते हैं अब कैसी बनती है। स्टार्ट तो करते हैं।